हेलो फूडलवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रेसिपी में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भरवे प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ। ये भरवा प्याज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसका जो मसाला हम प्रिपेयर करते हैं, उस मसाले से इस भरवे प्याज का जो टेस्ट है और भी बढ़ के आता है। और ये भरवा प्याज आप एक बार खा लेंगे तो आपको बार बार मन करेगा ये भरवा प्याज खाने के लिए। और मेरे चैनल पे मैंने पहले से ही एक सिंपल तरीके के प्याज की रेसिपी अपलोड की हुई है, वो भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब भी आपको मन करे उस रेसिपी को इजीली बना सकते हैं। अगर आपको ये भरवे प्याज की रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब भरवा प्याज बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। भरवा प्याज बनाने के लिए मैंने ये 7 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हुए हैं। ऑनियन को मैंने अच्छे से छील के धो के पोंछ लिया हुआ है। प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी न रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और भरवा प्याज बनाने के लिए हमें ऐसा मीडियम साइज़ का गोल आकार का ही प्याज चाहिए, तभी आपका भरवा प्याज दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब सबसे पहले इसे हम कट करेंगे, और इसे किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये प्याज का नीचे का पार्ट है, इसके अपोजिट साइड हमें इसे कट करना है। इसे हमें पूरा कट नहीं करना है, इस तरीके से यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन रखना है। इस तरीके से 2 चीरा हमें लगाना है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम जो मसाला फिल करें वो अच्छे से फिल हो जाए। इसी तरीके से सारे प्याज को हम कट कर लेंगे। अब सारे प्याज को मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने ये तड़का पैन रखा हुआ है गैस पे, और गैस का फ्लेम मैंने स्लो करके रखा हुआ है। अब हम भरवा प्याज का मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने 1/3 टेबल स्पून के करीब ये सौंफ लिया है, 1/3 टेबल स्पून के करीब मेथी, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लवंग, 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने ये साबुत धनिया लिया हुआ है, और 1 बड़ा चम्मच के करीब जीरा। इन सारे मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 50 से 60% तक पहले पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, फिर इसके बाद हम इसमें और भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मसालों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इन मसालों को हम पहले ही रोस्ट कर रहे हैं, और गैस का फ्लेम स्लो करके ही रोस्ट करें, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। अब हमारे ये मसाले 50% रोस्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये पीली सरसों ऐड करूंगी, ये भी 1/3 टेबल स्पून के करीब है, और मैंने ये सूखी 3 से 4 मिर्च ली हुए है। मिर्च को मैंने तोड़ के इसके बीज निकाल लिए हुए हैं। अब जब सारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझिए कि आपके मसाले जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हमारे सारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और इसके अंदर हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, क्योंकि कस्तूरी मेथी बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो सारे मसालों के साथ ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। मैंने इसमें पीली सरसों यूज़ की है, आप चाहें तो एकदम बारीक जो सरसों आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मसालों को हम ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब हमारे सारे मसाले जो है ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम मिक्सी जार के अंदर ऐड कर देते हैं। अब सारे मसालों को हमने मिक्सी जार में ऐड कर दिया हुआ है। अब इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच के करीब अमचूर पाउडर ऐड करूंगी, और नमक। नमक इसके अंदर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि सारे मसालों के साथ नमक भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। जब मसालों को हम प्याज के अंदर फिल करेंगे तो उसके अंदर भी नमक का टेस्ट एकदम अच्छे से आए, इसलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। और इसे हमें पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं ग्राइंड करना है, इसे थोड़ा सा हमें दरदरा ही रखना है। अब हमारे भरवा प्याज का मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब हम प्याज को फिल करेंगे इन मसालों से। अब एक एक प्याज लेके हम इसके अंदर मसाला फिल करेंगे, और हमें प्याज को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो हमारे जो प्याज है जल्दी से टूट भी जाएंगे, क्योंकि प्याज जो है बहुत हार्ड होता है। और मसालों के अंदर हमने तेल इसलिए ऐड नहीं किया हुआ है कि जब हम मसाले प्याज के अंदर फिल करेंगे तो मसाले जो है तेल डालने से अच्छे से प्याज के अंदर
फिल नहीं हो पाएंगे। अब सारे मसालों को इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं। मसालों को फिल करते समय इस बात का आप ध्यान दें कि प्याज को ज़्यादा खींचे नहीं, नहीं तो प्याज टूट जाएंगे। इसी तरीके से बाकी के प्याज में भी हम मसालों को फिल कर लेंगे। अब हमने प्याज के अंदर मसालों को अच्छे से फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है पूरे साबुत ही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। भरवा प्याज बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन रखा है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अच्छा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने ये एक चम्मच के करीब मंगरेल लिया हुआ है, इसे कलौजी भी कहते हैं, और एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने ये 7 से 8 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से चीरा कर दिया है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इन सबको हमें मिक्स नहीं करना है, इसी तरीके से हम इसे रहने देंगे। और जो हमारा प्याज है जिसे हमने मसालों के साथ फिल किया है, वो एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम करके ही रखा हुआ है। अब सारे प्याज को हमने ऐड कर दिया है और जो मसाले जो बाकी थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब हरी मिर्च के अंदर ये मसाले जाएंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कलौजी का टेस्ट जाएगा और ऑनियन के साथ जब ये पकेगा तो इसका भी टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे बस एक बार हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे। इसे हमें पलटना नहीं है, सॉरी ये पलट चुका है, बस इस तरीके से हम इसे टर्न कर लेंगे। फिर से इसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। ढक्कन को हम हटा लेंगे और प्याज को हम पलट देंगे। प्याज जैसे जैसे पकता जाएगा उसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसी तरीके से सारे प्याज को हम पलट लेंगे। अब सारे प्याज को हमने पलट लिया हुआ है, इसे फिर से कवर करके हम रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। मैंने ये 1/2 कप के करीब दही लिया हुआ है। दही जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है और हमें खट्टी दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर, और हमने जो मसाले प्रिपेयर किए हुए थे भरवा प्याज के वो 1 बड़ा चम्मच के करीब इसमें हम ऐड करेंगे। दही के अंदर हम मसाले क्यों ऐड कर रहे हैं कि जब हम दही को पकाएं तो हमारा दही फटे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दही पकाते हैं मसालों के साथ तो हमारा जो दही है वो फट जाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका दही कभी भी पकाते समय फटेगा नहीं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो दही के बदले टमाटर को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, पर दही से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 5 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे और ये जो प्याज है इसे हम साइड में कर देंगे। और प्याज को हमें पूरा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा सा हमें कच्चा ही रखना है। अगर प्याज को हम पूरा पका लेंगे तो हमारे जो प्याज हैं वो टूटने लगेंगे। ये जो स्पेस बनाया है इसमें हम ये दही का मसाला ऐड करेंगे और इसे हम इधर साइड में ही पकाएंगे। इसी तरीके से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। अब हमारा जो ये दही का मसाला है वो पक चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तेल जो है वो तैर रहा है। अब सारे प्याज को हम इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर देंगे कि जो दही का मसाला है वो हमारे प्याज के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब प्याज को मैंने अच्छे से दोनों तरफ से पलट लिया हुआ है। इसे कवर करके 2 मिनट के लिए हम रख देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे
अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा जो भरवा प्याज है वो रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपने एक्स पे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।